वॉर की पॉसिबिलिटी इंडिया और चाइना के दरमियान क्या है, या बिल्कुल ये खाम ख्याली होगी कि ये बॉर्डर स्किर्मिशेस तक महदूद रहेगी चीज? देखिए, यहां पर जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि इंडिया वॉर चाहता है या चीन वॉर चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि सर्कमस्टांसेस जो हैं ऐसी होती हैं जो सर्टेनली आपको इस तरफ ले जाती हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं दो तीन चीजें आपसे अर्ज करता हूँ। सबसे पहले, इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। 1959 में चीन और इंडिया के पास काफी अच्छा एक मुआहदा हुआ था, लेकिन उसको 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने उसको वायलेट किया बाय हैविंग अ फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी में उन्होंने 43 पोस्ट किए लद्दाख में और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी वो बिल्कुल असम के साथ है, लद्दाख जो है आपको पता है कश्मीर के साथ पड़ता है। ना उस वक्त इन लोग ने, इंडिया ने ये गलती ये किया कि उस वक्त ये नए नए गोवा के साथ इनने पुलिस एक्शन करके गोवा टेक ओवर कर लिया था, उनने ओवररेट किया अपनी आर्म फोर्सेस को और ये सोचा कि हम, क्योंकि माउंटेनस एरिया है, चीन की बड़ी लंबी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, हम चीन को बड़ी जल्दी से हम उस जगह से निकाल देंगे। तो आप उनकी उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ें और वगैरह वगैरह, तो देखें कि मीडिया ने इनको बड़ा एग ऑन किया। मीडिया के अंदर बार बार स्टेटमेंट्स आते थे, थ्रो द चाइनीज आउट, जवान स्विंग इनटू एक्शन वगैरह वगैरह। मैं आपको 50 उनके हेडलाइंस और सर उसकी मिसकैलकुलेशन का 62 की वॉर पे उन्होंने खमियाजा भी भुगता और जवाहरलाल नेहरू और फिर, और इसके बाद सर आपने खुद लिखा भी है, आपका अपना कॉलम मैं पढ़ रहा था जो आपने, जो हैंडरसन ब्रूक्स और जो भगत रिपोर्ट है, यानी उसमें भी तो बड़ा उन्होंने कैस्टाइज किया हुआ है इंडिया को, अपनी उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप को, पोलिटिकल लीडरशिप को। कोई सबक नहीं सीखते हम लोग हिस्ट्री से? अब वही चीज़ें, वही गलतियाँ फिर रिपीट कर रहा है इंडिया। देखिए, एक तो इंडिया ने अपने को एक बॉलीवुड टाइप एक हाइप क्रिएट कर दी थी अपनी शाइनिंग इंडिया वाली, ठीक है जी। वो आप देखें कि थोड़ी बहुत पहले, इवन पेंडेमिक से पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस एक आ गई थी इंडिया के ऊपर, और वो इकोनॉमिक क्राइसिस जाने वाली नहीं है और ये पेंडेमिक की वजह से काफी एक्सपेंशेट हो गई है। वो तीसरी बात ये, जब बॉलीवुड की हाइप क्रिएट की गई है, बॉलीवुड में आप मूवीज देखें, एक नहीं 10 मूवीज नहीं 100 मूवीज निकलाई हैं इंडियन आर्मी को दिखाते कि इंडियन आर्मी सब जगह में कामयाब हो रहा है, इंडियन आर्मी पता नहीं क्या कर रहा है। उससे पब्लिक को इन्हें बिल्कुल एक हाइप क्रिएट कर दिया पब्लिक के अंदर कि इंडियन आर्मी कुछ भी कर सकता, ठीक है जी। नाउ उस हाइप के साथ ये जब चाइनीज आए तो उस वक्त इंडियन पब्लिक में हाइप आई कि ये चाइनीज क्यों आए, चाइनीज को मिला है। तो आपको मैं दो साल पहले भूटान में ले जाता हूँ। भूटान की डिस्प्यूट थी चीन के साथ दकलाम प्लेटो के ऊपर, और जहां पर इंडियन ट्रुप्स 50 किलोमीटर अंदर आके हेल्प करने गए थे भूटान को, तो चीन ने उन्हें पूछा कि आपकी और हमारी तो लड़ाई नहीं है, तो हमारी भूटान की डिस्प्यूट है, और आप अगर यही करते हैं तो हम अगर जो कल को कश्मीर में पाकिस्तान में बोलता है डिस्प्यूट टेरिटरी में आने, तो आप बिलीव करें 24 घंटे के अंदर ये वापस अपने ट्रुप्स कर लिया। एक उन्होंने रिक्वेस्ट किया चीन को कि हमारा नाक ना रगड़ना, हाइप ना क्रिएट करना, कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन ना हो, पब्लिक ह्यूमिलिएशन ना हो। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये डेफिनेटली चाहते हैं कि चीन के साथ किसी ना किसी सेटलमेंट कर ले, लेकिन इनकी पब्लिक जो है वो पीछे इनके पड़ी हुई है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन जो है ना, वो मोदी साहब के लिए बड़ी प्रॉब्लम, इसीलिए वो प्रिटेक्स्ट ढूंढ कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी ना कुछ करे। पाकिस्तान के लिए क्या क्या इम्प्लीकेशंस है? एक तो ये कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कुछ ना कुछ करेगा, प्लस ये जो वैली है गलवान वैली जहाँ पे ये रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था लद्दाख के पास, उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है? व्हाई इंडिया इज डूइंग इट, और चाइना की वहाँ पे मौजूदगी पाकिस्तान के लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है? देखिए, वो लद्दाख इज आपके लिए, वो जो इलाका जो है, वो प्लेटो जो है, वहां से आपकी फर्म बेस बन सकती है इंट्रोडिक्शन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक लंबी स्ट्रेटेजिक वैल्यू उस जगह की है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक होता है ना कि फंक्शनल रियलिटी जो है, जो ओपनिंग देती है चाइना को इनटू द इंडियन ओशन, वो तो चाइना किसी हर रिसोर्स को अपना हटने देगा। इंडियन पब्लिक जो है वो बेंट है कि कुछ करें, आपके मौका बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए, 62 के बाद पहली दफा इस नंबर्स में चाइनीज ने ट्रुप्स मूव किया है दोनों तरफ। एक तो इस तरफ लद्दाख में लोग भूल जाते हैं, नथुला पास जो है उधर, वहां पर भी है, नेफा में भी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वहां पर भी चाइनीज ट्रुप्स आ गए हैं।
ठीक है, और वो जो है इट इज वो जो नेक बोलते हैं ना, चिकन नेक जिसको बोलते हैं 17 माइल अगर वो कट कर देते हैं, सिक्किम से कट कर देते हैं, इंटायर असम जो है वो चला जाता है, वो तो बांग्लादेश के फेवर में जाता है। ये तो मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ जो लोगों को यहाँ नहीं पता है, 1946 में कायदे आजम ने फजलुल हक को और सरवर्दी को बोला था कि आप कोशिश करें कि एक ग्रेटर बंगाल बनाए, हम तो हैं पाकिस्तान, हम तो दोनों मुसलमान, हम मुसलमान हैं, हम साथ रहेंगे, अगर ग्रेटर बंगाल की आप करते हैं तो ये पूरा इलाका वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, असम वगैरह ये सब एक बन जाता। आप सोचें कि कितनी बड़ी चीज थी। अब हम कहते हैं कि एसोसिएशन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया, आपको पता है कि 7 ममालिक ऐसे हैं वहां पर जो ऑलरेडी वहां पर इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इंडिया के खिलाफ, नागालैंड, मिजोरम, उल्फा, मणिपुर, जी वो 7 सिस्टर्स जो कहते हैं ना, जो 7 सिस्टर्स, वहां सब जगह त्रिपुरा, वहां सब जगह वहां पर है। आपके पास बहुत बड़ा मौका है, बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा मौका है, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ जो कायदे आजम की ओरिजिनल एक कॉन्सेप्ट थी, ड्रीम थी उस जमाने में, एक कंप्लीट सॉवरन स्टेट और साथ कश्मीर के, आप सोचें ठीक है कि कितना बड़ा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो मैं ऑफकोर्स ऑब्वियसली मैं तो ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, आर्म फोर्स के पास उनकी इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी बैटल हार्डन जो फौज है, बैटल हार्डन यू नो जो दो डिकेड्स को लड़ाई ने लड़ी है अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और ठीक ठाक, इट वॉज नॉट अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म ओनली, इट वॉज अ काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी की बैटल जो होती है बड़ी सख्त बैटल होती है, एंड वी वॉन्ट दैट, बैटल हार्डन वो जीत गए हम, एंड वी वॉन्ट दैट, वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, द ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड दैट हैज वन द बैटल अगेंस्ट काउंटर इंसर्जेंसी इन द लास्ट सो मेनी डिकेड्स। सो हमें चाहिए कि हमारी मेंटली एटलीस्ट, मॉरली एटलीस्ट, स्पिरिचुअली एटलीस्ट, हमारी पॉस्चर जो है वो फ्रॉम अपीजमेंट टू पॉजिटिव एग्रेसिवनेस जाती है।